नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए आपको बताने जा रही हूँ कि प्लास्टिक की बोतल से दूध पिलाना कितना सुरक्षित है बच्चों के लिए। दोस्तों, एक वक्त था जब शिशु को माँ के दूध के अलावा अगर भारी दूध दिया जाता था तो उसे चम्मच से पिलाया जाता था, परंतु वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलने लगी और चम्मच की जगह बोतलों ने ले ली। आजकल शिशु जब बड़े होने लगते हैं तो उन्हें प्लास्टिक की बोतलों में दूध पिलाया जाता है, क्योंकि इससे बच्चों को दूध पिलाने में आसानी होती है और कभी कभी शिशु चम्मच से दूध पीने में रोने लगता है, तो इस चीज़ से भी बचा जा सकता है और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। पर एक बार आप शांत दिमाग से सोचें कि कहीं आप वक्त बचाने और सुविधा के चक्कर में अपने शिशु के स्वास्थ्य को जाने अनजाने में नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे हैं। इसलिए हर माता पिता को जानना यह ज़रूरी है कि उनके शिशु के दूध कि बोतल उनके शिशु पर क्या प्रभाव डाल सकती है। प्लास्टिक की बोतल भले ही हल्की हो और शिशु के लिए सुविधाजनक हो, पर शायद आपको पता नहीं कि प्लास्टिक की बोतल में न दिखने वाली रासायनिक द्रव्य की एक कोटिंग होती है और इसमें गर्म दूध डालने पर वो रसायन आपके शिशु के दूध में मिक्स हो जाती है, जिसके कारण आपके बच्चे को काफ़ी नुकसान हो सकता है। बोतल से दूध पीने से आपके शिशु के पाचन शक्ति पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि एक तो भारी दूध और उस पर से प्लास्टिक, जो कि ना सिर्फ शिशु बल्कि बड़ों तक के लिए हानिकारक होता है। इससे आपके शिशु को पेट की बीमारी, उल्टी या अन्य कई शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक समस्या भी आपके शिशु को हो सकती है, क्योंकि जब बच्चा बोतल से दूध पीता है तो दूध को खींचने के लिए उसकी दिमागी नसों पर भी काफ़ी हद तक जोर पड़ता है, जिसके कारण उसका मस्तिष्क भी कमज़ोर हो सकता है। बोतल का दूध शिशु के मस्तिष्क पर भी असर कर सकता है, जिससे शिशु की मेंटल ग्रोथ देर से भी हो सकती है। बोतल से दूध पिलाने से आपके शिशु को वजन बढ़ने या मोटापे की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा आपके शिशु को इसकी आदत अगर लग जाएगी तो आगे चलकर आपको शिशु को इससे छुटकारा दिलाने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हो सकता है आपका शिशु पूर्ण आहार ना ले या आपका शिशु खाने के लिए नखरे दिखाने लगे। इससे आपके शिशु को इन्फेक्शन होने का खतरा होता है और आपके शिशु की इम्यून पावर पर भी असर होता है। अगर मजबूरी हो बाहर का दूध देना, कभी कभी माँ की मजबूरी हो जाती कि शिशु को अपने स्तन पान ना कराकर बाहरी दूध पिलाना पड़ता है, क्योंकि किसी किसी महिलाओं को कुछ कारणों से दूध नहीं बनता, जिस कारण उन्हें अपने शिशु को बाहर का दूध देना मजबूरी बन जाता है। अगर आप भी ऐसे ही किसी मजबूरी में हैं तो घबराएं नहीं, आप अपने शिशु को चम्मच से दूध पिलाएं। हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी, आपको परेशानी होगी, परंतु ये उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप उसे गिलास से दूध पिलाने की आदत डालें। अगर आपका शिशु चम्मच या गिलास से दूध नहीं पी रहा है और आप बोतल ले भी रहे हैं तो कोशिश करें कि स्टील की बोतल लें या फिर प्लास्टिक की बोतल भी लें तो अच्छी क्वालिटी की लें, और पहले उसे गर्म पानी में बॉईल करें। बोतल कुछ महीने में बदलते रहना चाहिए, कम से कम एक या दूसरे महीने में आपको इसे बदलना होगा। इसके अलावा निप्पल को भी आप एक महीने में बदल दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर बोतल या बोतल की निप्पल का रंग बदल गया है तो आपको अपने शिशु को उसमें दूध पिलाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको उसे तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा यूज करने से भी ऐसा होता है और ये आपके शिशु के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। कोशिश करें कि पूरे दिन में कम से कम बोतल का उपयोग करें, शिशु को चम्मच और गिलास से भी दूध पिलाने की आदत डालें। अगर आपका शिशु कुछ खाने लग जाए तो उन्हें हेल्दी फूड जरूर से जरूर खिलाएं, जैसे सब्जियों का सूप, दाल का पानी या घर पर बना जूस दें और बोतल छुड़ाने का प्रयास करें, गिलास से दूध पिलाने की आदत डालें। दोस्तों, याद रखें कि आपके शिशु की सुरक्षा आपके हाथ में है, इसलिए ध्यान रखें और अपने शिशु को सुरक्षित और स्वस्थ रखें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई इस जानकारी से संतुष्टि प्राप्त हुई होगी, और अगर आपको लगता है ये आपके अपनों के लिए काफ़ी लाभप्रद है तो आप उन्हें अवश्य शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी सभी समस्या साझा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।